दोस्तों ऐसा कहते हैं कि जब घर में बेटी का जन्म होता है तो उसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है, और जब लक्ष्मी घर में आती है तब अपना घर स्वर्ग बन जाता है। लेकिन अगर इस दुनिया में कुछ अच्छा होता है तो वो उन लोगों को पसंद नहीं आता जिन लोगों के साथ बुरा बर्ताव हुआ है, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि ये अच्छाई इस दुनिया से मिट जाए। मेरे ख्याल से वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर उनकी जिंदगी के साथ किसी ने बुरा किया है तो इस दुनिया में किसी को खुश रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि चंद लोगों की गलतियों की सजा हम पूरी दुनिया को नहीं दे सकते। आज की कहानी का विलन भी ऐसे ही अपने साथ हुए बुरे बर्ताव का बदला पूरी दुनिया से लेने की कोशिश में लगा हुआ है, और यही है आज की कहानी का टॉपिक, जिसका नाम है रत्सनन। इस फिल्म के डायरेक्टर है राम कुमार, और ये फिल्म रिलीज हुई थी 2018 में। हेलो गाइज, आई एम शुभम, और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल वीडियो। तो कहानी की शुरुआत होती है एक स्ट्रगलिंग लेकिन टैलेंटेड इंसान के साथ, जिसका नाम है अरुण। अरुण के पास वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजन होता है जो एक फिल्म डायरेक्शन के लिए जरूरी है। लेकिन अरुण की इस कॉम्पिटिटिव फिल्म इंडस्ट्री में कोई जान पहचान नहीं थी, इसलिए उसे अपनी कहानी को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन फिर भी उसके हाथ खाली के खाली थे, क्योंकि जनरली इतना भरोसा कोई भी किसी स्ट्रेंजर के ऊपर नहीं कर सकता। स्ट्रगलिंग करते हुए अरुण को देख के अरुण के जीजा जी, जो एक पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में अरुण को सब इंस्पेक्टर का जॉब दिलवा दिया, क्योंकि अरुण ने खुद को सब इंस्पेक्टर बनाने के काबिल साबित किया था। सब इंस्पेक्टर बनने के बाद भी अरुण ने अपना डायरेक्टर बनने का सपना नहीं छोड़ा था, और उसने प्रोड्यूसर की तलाश जारी रखी थी। लेकिन बहुत दिनों तक मेहनत करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, तब अरुण ने अपने इस सपने पर रोक लगा दी। उसके अगले सीन में अरुण की जिंदगी को बदल देने वाला एक किडनैपिंग का केस पुलिस स्टेशन में आता है। अमुधा नाम की 15 साल की लड़की को किसी ने स्कूल से वापस आते वक्त किडनैप कर लिया था। किडनैपर ने अपनी एक पहचान के लिए उसके कुत्ते के गले में गिफ्ट बॉक्स छोड़ा था, जिसमें एक गुड़िया का कटा हुआ सर रखा था। उस गुड़िया के कुछ बाल उखाड़ कर उसका चेहरा एक तरीके से उसने खराब किया था। ऐसे ही एक डेड बॉडी चेन्नई के एक नदी किनारे कुछ दिनों पहले मिली थी, लेकिन तब अरुण सब इंस्पेक्टर नहीं था। खैर, कहानी में हम आगे देखते हैं कि अरुण की मुलाकात उसके भतीजी के टीचर विजी से होती है, जिसे देखते ही अरुण उसका दीवाना हो जाता है। एक दिन ऐसे ही शॉपिंग मॉल में अरुण को विजी दिखती है, और विजी के साथ एक छोटी बच्ची भी थी। जब अरुण उस बच्ची से बात करने की कोशिश करता है, तब उसे पता चलता है कि वो बच्ची बोल नहीं सकती। वो दरअसल विजी की बहन की बेटी थी, लेकिन जब उसकी बहन की डेथ हुई तब उसके पिता ने अपनी गूंगी बेटी को अकेला छोड़ दिया, और तब से विजी ही उसका ख्याल रखती थी। उस बच्ची का नाम था कायल। अरुण ने अपनी मूवी की कहानी के लिए एक कमरा बना दिया था, जिसमें उसने बहुत सारे एक्चुअल मर्डर केसेस के डिटेल्स नोट किए थे। एक दिन अरुण उस गुड़िया के सर की तस्वीर देख रहा था, तब उसे अपने कमरे में उसी से मिलती जुलती एक और केस मिलती है, और अरुण को शक होता है कि ये केस किडनैपिंग से शुरू होकर मर्डर पे खत्म होगा। पुलिस स्टेशन में अरुण अपने सुपीरियर एडिशनल कमिश्नर लक्ष्मी को अपनी केस और उसके डिटेल्स बताने की कोशिश करता है, और लक्ष्मी को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये कोई साइको किलर है जो बस उसे मिले हुए किसी दर्द के कारण अपना गुस्सा इस पूरी दुनिया पर निकाल रहा है। वो 15 साल की उम्र की लड़कियों को बस किडनैप नहीं करता, बल्कि उन्हें किडनैप करके एक दर्दनाक मौत भी देता है। लेकिन एक सब इंस्पेक्टर जो बस अपने काम पर कुछ ही दिनों पहले ज्वाइन हुआ था, उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। लेकिन जब उस लड़की की लाश मिलती है, तब पुलिस स्टेशन के कुछ ऑफिसर्स और उसके जीजा जी को उस पर यकीन हो जाता है, क्योंकि जैसा अरुण ने कहा था वैसा ही हुआ था, और उस मासूम लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, तब अरुण डॉक्टर को दोनों लड़कियों के रिपोर्ट कंपेयर करने के लिए कहता है, और डॉक्टर इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि वो दोनों लड़कियों का मर्डर एक ही तरीके से हुआ है। जब अरुण थोड़ी इन्वेस्टिगेशन और करता है, तब उसे पहली लड़की के हॉस्टल रूम पर भी वैसा ही गिफ्ट बॉक्स मिलता है जो उस साइको किलर ने अमुदा के किडनैपिंग के टाइम उसके कुत्ते के साथ छोड़ा था। इससे पुलिस डिपार्टमेंट को ये पता चलता है कि चेन्नई में हुआ मर्डर और अमुदा का मर्डर एक ही इंसान ने किया है, और उस इंसान को लोगों को दर्द पहुंचाने में मजा आता है, और इसी चीज की जब पब्लिसिटी होती है तब उस साइको किलर जैसे लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता है। एडिशनल कमिश्नर लक्ष्मी के सीनियर्स भी अब इस केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और अरुण उन्हें भी वो सारी बातें बताता है जो उसने लक्ष्मी को भी बताई थी। उन बातों के साथ अरुण एक और आइडिया देता है कि उस लड़की के मर्डर की खबर हम पब्लिकली अनाउंस नहीं करेंगे, ताकि उस साइको किलर की पब्लिसिटी नहीं होगी, और जिस सेटिस्फेक्शन के लिए वो ये सारी चीजें कर रहा है वो उसे नहीं मिलेगी। अरुण की बात मानकर पुलिस इस मर्डर को पब्लिक इन्फॉर्मेशन से दूर रखते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अरुण की भतीजी पढ़ाई में कमजोर होती है, और इसी कारण उसके पिता उसका स्कूल चेंज कर देते हैं, और एक ऐसे टीचर के साथ अम्मू को छोड़ जाते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। लेकिन वो प्रोफेसर लड़कियों को सजा एक बहुत घिनौने तरीके से देता था।
जिस लड़की का रिजल्ट खराब आता था उसे वो दरवाजा बंद करके क्लासरूम में अकेले उसके साथ घिनौने काम करता था। लड़कियां भी फेल होने के डर से उसकी बात मान लेती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस दिन स्कूल खत्म होने के बाद मीरा नाम की एक लड़की ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। वहाँ पे विजी भी होती है और वो रिक्शा के पीछे लगे साइन को एक पल के लिए देख पाती है। तभी पुलिस स्टेशन में उसी रात उसी लड़की के माता पिता उसकी किडनैप होने की रिपोर्ट लिखवाने आते हैं। इसका क्लियर मतलब ये था कि उस रिक्शा वाले का इस पूरे खेल में कुछ ना कुछ तो हाथ जरूर था, क्योंकि उसके रिक्शा में बैठने के बाद मीरा घर नहीं पहुंची थी। उसके बाद पुलिस स्कूल में अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और विजी के थ्रू उन्हें ये पता चलता है कि मीरा एक ऑटो रिक्शा में बैठी थी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ मदद विजी पुलिस की नहीं कर पाती क्योंकि उसे कायल को उसके स्कूल से पिक करना था। यह कहकर विजी वहां से चली जाती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि विजी और कायल देर रात में एक बस स्टॉप पर बस या ऑटो का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें घर जाना था। क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी इसलिए उन्हें बस और ऑटो मिलना मुश्किल था। तभी वहां पर एक ऑटो आती है, लेकिन ऑटो में बैठे हुए आदमियों को देख के विजी कायल को लेकर वहां से भागने लगती है। लेकिन थोड़ी ही दूर उसे अरुण मिल जाता है और फिर अरुण विजी और कायल पर बुरी नजर डालने वाले उन आदमियों को बहुत मारता है। शायद अरुण विजी से उस रिक्शा के बारे में जानने के लिए विजी का पीछा कर रहा था ताकि वो उसे कुछ मदद ले सके, और इसीलिए उस वक्त देर रात में विजी की अरुण से मुलाकात हुई थी। उसके बाद अरुण विजी और कायल को उसके घर छोड़ देता है, और क्योंकि अरुण ने विजी और कायल की जान और इज्जत बचाई थी इसीलिए विजी अरुण को उस रिक्शा को ढूंढने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अरुण और विजी दोनों मिलकर बहुत ढूंढते हैं लेकिन उन्हें वो रिक्शा नहीं मिलती जिसने मीरा को किडनैप किया था। लेकिन एक दिन विजी को अचानक से याद आता है कि उस ऑटो के पीछे एक लाल रंग का स्टार बना था और उसके बगल में रेस वर्ड लिखा था। तभी अरुण को एक कॉल आता है और पुलिस उसे एक जगह बुलाती है जहां पर उन्हें एक और वैसी ही डेड बॉडी मिलती है जैसी उन्हें अमुदा की मिली थी। विजी भी अरुण को कॉल करके उस ऑटो रिक्शा की डिटेल बता देती है, और तभी उसी इलाके में वैसी ही ऑटो अरुण को दिखाई देती है जिसका पीछा करके वो उस ऑटो रिक्शा वाले को हिरासत में ले लेता है। उस ऑटो वाले से सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए पुलिस उसे बहुत मारती है, और तभी वो एक प्रोफेसर के बारे में बताता है जो लड़कियों को अपने घर में अकेले बुलाता था, और यही ऑटो वाला उस प्रोफेसर की वो सारी लड़कियों को उसके घर तक पहुंचाने में मदद कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी का मेन विलन तो प्रोफेसर है जो उन सारी लड़कियों को अपने घर बुलाकर उन्हें मार देता होगा, लेकिन मैं आपको अभी ये बात बता दूं कि साइको किलर प्रोफेसर नहीं है। पुलिस उस प्रोफेसर को हिरासत में ले लेती है और जब पूछताछ करती है तब प्रोफेसर उन्हें अपनी जिंदगी के अकेलेपन के बारे में बताता है, और इसीलिए उसके अकेलेपन में सहारा बनने के लिए वो उन लड़कियों का घिनौने तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। मीरा के साथ भी वो यही करने वाला था, लेकिन मीरा उसे नशे की गोलियां उसके लस्सी में मिलाते हुए देख लेती है और वो वहां से भाग जाती है। जब प्रोफेसर उसका पीछा करता है तो रोड पर उसे मीरा नहीं दिखती, लेकिन उसे एक गिफ्ट बॉक्स उसकी घर की दीवार पर मिल जाता है। इसका साफ मतलब ये था कि उसी साइको किलर ने मीरा को भी प्रोफेसर के घर से किडनैप किया था और दो दिन बाद उसे बाकी लड़कियों की तरह मार दिया था। उसके अगले ही दिन वो प्रोफेसर उस हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रहा था, और इसीलिए उसने एक पुलिस वाले को भी हॉस्टेज के रूप में पकड़ा था। अरुण भी वहां पर आ जाता है, और जब वो सिचुएशन को देखता है तब वो बड़े इंटेलिजेंट प्रेडिक्शंस करता है। पुलिस वालों ने उस प्रोफेसर को घेर लिया था और प्रोफेसर को वहां से भागने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका था, और वो था लिफ्ट। इसलिए अरुण पहले ही उस लिफ्ट में जाकर छुप गया था, और जब प्रोफेसर हॉस्टेज को लेकर लिफ्ट के अंदर घुसा तभी अरुण ने उस प्रोफेसर को गोली मार दी और हॉस्टेज को रिहा कराया। अब ये सिचुएशन भले ही वैलिड हो, लेकिन जो अरुण ने किया था वो डेफिनेटली इल्लीगल था, और इसीलिए ये मुमकिन था कि उस पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। इस एनकाउंटर के तुरंत बाद अरुण को विजी का फोन आता है और वो उसे अम्मू के लापता होने की खबर देती है, जिसे सुनकर अरुण के होश उड़ जाते हैं। जब अरुण घर पहुंचता है तब उसे उनके घर पर वैसा ही गिफ्ट बॉक्स मिलता है जैसा उन्हें सारी लड़कियों के अगवा होने के टाइम मिला था, और इससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि उस साइको किलर ने अपना अगला टारगेट अरुण की भतीजी अम्मू को रखा था। अरुण और पुलिस की पूरी टीम पूरी ताकत के साथ अम्मू को ढूंढ रही थी, लेकिन दो दिन गुजर जाते हैं और पुलिस को अम्मू के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता, और एक दिन उन्हें अपनी ही कार की डिक्की में अम्मू की लाश मिलती है जिससे उस साइको किलर ने मार दिया था। अब शायद आपको याद होगा कि जब अरुण ने उस प्रोफेसर को मार के हॉस्टेज की जान बचाई थी उस सिचुएशन को लेकर पुलिस उसे एक समन भेजती है, और उसके तहत अरुण को 3 महीनों के लिए सस्पेंड किया जाता है, और इसी वजह से अरुण मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अरुण को साइको किलर की एक पहचान मिलती है जो कि एक पियानो म्यूजिक था। उस म्यूजिक की तलाश करते करते अरुण को एक क्लू मिलता है जो कि उसे एक मैजिक शो की तरफ ले जाता है।
तब जाके अरुण को पता चलता है कि जो भी लड़की किडनैप हुई थी उसके 2 दिन पहले उसके स्कूल में एक मैजिक शो हुआ था। इस कनेक्शन के तहत अरुण अम्मू के स्कूल में भी जांच करता है और उसके सारे सस्पिशंस कंफर्म हो जाते हैं। वो एक्चुअली एक औरत थी जो ऐसा मैजिक शो करती थी और अपने मैजिक ट्रिक्स के दम पर सबको इम्प्रेस करती थी। उसके बाद किसी एक लड़की को स्टेज पर बुलाकर उससे अच्छी तरह से कनेक्ट करके उसका भरोसा जीतती थी। भरोसा जीतने के बाद उसका पीछा करके उसे बिना हंगामा किए किडनैप कर लेती थी। इसी पैटर्न के तहत जब अरुण और उसकी टीम ऐसी ही मैजिक शोज की अरेंजमेंट के बारे में पता करते हैं, तब उन्हें उस स्कूल के बारे में पता चलता है जो कि उस साइको किलर का अगला टारगेट था। उस स्कूल में जाकर वो सारी लड़कियों को इनडायरेक्टली वार्न करते हैं और अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करते हैं। अरुण कोई जल्दबाजी नहीं करता और किलर को अपना सारा प्लान एग्जीक्यूट करने देता है। उस लड़की को उठाने के लिए वैसे ही वैन आती है जो वैन लड़कियों को किडनैप कर रही थी, लेकिन बस एक पल के लिए अरुण की नजर उस वैन से दूर हो जाती है और किलर उस लड़की को किडनैप कर लेता है। लेकिन अरुण अपनी टीम की मदद से उसे ट्रेस करता है और बहुत सारी मेहनत के बाद वो उस लड़की को जिंदा बचा लेता है, लेकिन वो औरत अरुण के चंगों से भाग जाती है। जब अरुण उस पूरी जगह की तलाशी लेता है तब उसे एक और तस्वीर मिलती है और उस तस्वीर से अरुण को एक केस के बारे में याद आता है जिसकी डिटेल्स उसने अपने कमरे में अपनी मूवी की कहानी के लिए निकाल रखी थी। उस आर्टिकल को पढ़कर अरुण उस केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को ढूंढ निकालता है और उससे उसी केस के माइन्यूट डिटेल्स के बारे में जानकारी लेता है। तो उस केस की कहानी कुछ ऐसी थी। बहुत सालों पहले वो जादूगर औरत अपने बेटे क्रिस्टोफर को स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन क्रिस्टोफर कोई आम लड़का नहीं था। वो एक बीमारी की वजह से बचपन में ही एक बूढ़े बुजुर्ग की तरह दिखता था। उसकी इस बीमारी की वजह से उसे कोई अपने पास नहीं आने देता था, लेकिन स्कूल में एक लड़की थी जिसका नाम सोफिया था। उसने क्रिस्टोफर के इस परेशानी को समझा और उसे अपना दोस्त बनाया। जब कोई क्रिस्टोफर के पास नहीं था तब उसका ख्याल सिर्फ उसकी माँ और सोफिया ने रखा था। सोफिया के साथ बिताए हुए वक्त की वजह से कुछ ही समय में क्रिस्टोफर को सोफिया से प्यार हो गया। जब सोफिया को उसने ये बात बताई तो सोफिया बहुत नाराज हो गई और उसने क्रिस्टोफर का प्रपोजल ठुकरा दिया और वो भी अब क्रिस्टोफर से दूर रहने लगी। सोफिया का इस तरह से दूर रहना क्रिस्टोफर को सहन नहीं हो रहा था। ऐसे ही एक दिन उसने फिर से सोफिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन सोफिया ने फ्रस्ट्रेशन में उसके बीमारी और उसके नामर्द होने की सच्चाई को उसके सामने रख दिया और इस वजह से क्रिस्टोफर पूरी तरह से टूट गया था। क्रिस्टोफर की माँ ने उसे समझाया कि वो दुनिया का बहुत बड़ा मैजिशियन बनेगा, लेकिन फिर भी वो क्रिस्टोफर के टूटे हुए दिल को नहीं संभाल पाई और उस औरत ने सोफिया से बदला लेने का फैसला किया। उस औरत ने सोफिया के पास जाकर उसे वही गिफ्ट दिया था जो गिफ्ट इन सारी लड़कियों के किडनैपिंग के बाद निशानी के तौर पर छोड़ा था। उसी वक्त उस जादूगर औरत ने सोफिया को बड़ी बेदर्दी से मार डाला था। उसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। कई सालों बाद रिलीज होने के बाद वो दोनों एक एक्सीडेंट में मारे गए, ऐसा पुलिस के पास रिकॉर्ड था। लेकिन क्लियरली वो औरत अभी जिंदा थी और अपना घिनौना काम अभी भी कर रही थी। वो बेसिकली अम्मू जैसी मासूम लड़कियों को मारकर अपने बेटे क्रिस्टोफर का बदला ले रही थी। ये कहानी सुनने के बाद अरुण घर आ जाता है, लेकिन वो औरत उस पुलिस ऑफिसर के घर पहुंच जाती है और वो उसे मार देती है। लेकिन मरने से पहले उस पुलिस ऑफिसर ने अरुण को कॉल करके एक अर्जेंट इन्फॉर्मेशन बताने के लिए अपने घर बुलाया था। इसीलिए अरुण पुलिस ऑफिसर के घर पहुंचता है और अरुण उसे वहां मरा हुआ पाता है। उस क्लू का पीछा करते हुए अरुण को एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस किलर को 6 उंगलियां है। लेकिन जब अरुण उस औरत की तस्वीर देखता है तब उसे 6 उंगलियां नहीं दिखती, लेकिन उसे 6 उंगलियां क्रिस्टोफर के हाथ पर दिखती है। इसका साफ साफ ये मतलब था कि ये सारे खून वो औरत नहीं बल्कि उसका बेटा अपनी माँ का रूप लेकर कर रहा था। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो अपने सुपेरियर्स को भी देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। एक नोटिस करने वाली बात और है कि जब भी अरुण को कोई क्लू मिला है या अरुण इस केस की तरफ एक कदम आगे बढ़ा है, तभी क्रिस्टोफर ने अरुण पर साइकोलॉजिकल हमला किया है। जैसे कि उसकी भतीजी अम्मू की किडनैपिंग करके उसे मारना और उसे इन्फॉर्मेशन देने वाले उस ऑफिसर का खून करना। इसी पैटर्न के तहत किलर अरुण पर एक और साइकोलॉजिकल हमला करने वाला था और वो हमला था विजी के नीस कायल के रूप में। क्रिस्टोफर विजी के घर जाकर उसकी नीस कायल को किडनैप कर लेता है, लेकिन रास्ते में ही एक पुलिस ऑफिसर क्रिस्टोफर को पकड़ लेता है। लेकिन फिर भी क्रिस्टोफर अपनी मैजिक ट्रिक्स का इस्तेमाल करके पुलिस ऑफिसर के हाथ से गन छीन लेता है और पुलिस को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। गोली की आवाज सुनकर कायल जग जाती है और वो क्रिस्टोफर से दूर भाग जाती है। लेकिन कायल का पीछा करता हुआ क्रिस्टोफर उसे एक जगह पर पकड़ लेता है।
अरुण उसी एरिया के आसपास था और उसे वो पुलिस ऑफिसर मरे हुए सिचुएशन में दिखता है। अरुण ढूंढते हुए एक जगह पहुंचता है जहां पर उसे क्रिस्टोफर की एक और निशानी मिलती है जो कि बबल के रूप में होती है। वैसे ही बबल्स अरुण को अम्मू की किडनैपिंग के टाइम भी दिखे थे और इसी तरह अरुण को काहिल के बारे में भी पता चलता है और वो उसे ढूंढ लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अरुण और क्रिस्टोफर के बीच में जमकर लड़ाई होती है जिसमें अरुण बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन इस लड़ाई में क्रिस्टोफर की मौत हो जाती है और कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, ये कहानी उस एक रूप का सबूत है जो हम सबके अंदर होता है। जब कभी हमें गुस्सा आता है तब अपने अंदर का वो राक्षस बाहर आने की कोशिश करता है और हमसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। क्रिस्टोफर भी जन्म से ऐसा नहीं था, लेकिन उसके साथ हुई घटनाओं की वजह से उसके अंदर का वो राक्षस बाहर आ गया था और उस राक्षस ने कई मासूम लड़कियों की जान ले ली थी। तो ये थी रथ सनन की दिल को छू जाने वाली कहानी। लेकिन अगर आप इसी तरह फिल्म और उसकी कहानियां जानना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करें। दूसरे लोगों तक भी ये इंटरेस्टिंग कहानी पहुंचाने के लिए शेयर करें। और सबसे जरूरी बात कि आपको ये कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।